हाँ, तो कल हमने टेट्रापोडा में हमने 3 क्लास पढ़ ली थी कल तक। कौन कौन सी पढ़ी थी? एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और एवीज हमने पढ़ लिया था। अब हमको आज पढ़ना है सबसे लास्ट एंड फाइनल, दैट इज मैमेलिया। क्या पढ़ रहे हैं हम? मैमेलिया क्लास पढ़ रहे हैं। क्या है मैमेलिया? अब देखो, तुम इससे भली भांति वो परिचित मैमल्स है ना, जो हमारे आसपास जो हमें एनिमल्स दिखते हैं, गाय, भैंस, बकरी और इंसान, ये सारे क्या हैं? मैमल्स हैं। ठीक है, कंगारू भी क्या है? मैमल है ना। और एक तुमने नाम सुना है उसका, स्पाइनी एंट ईटर, जो कि चींटियों को खाने वाला प्राणी, उसको हम कहते हैं स्पाइनी एंट ईटर। एंट का मतलब चींटी, ईटर मतलब खाने वाला, तो स्पाइनी, उसका शरीर कैसा होता है? स्पाइनी, स्केल का बना हुआ रहता है, उसको हम कहते हैं स्पाइनी एंट ईटर बोलते हैं। ठीक है, तो मैमल्स जो है, मैमल्स की बात करें तो मैमल्स इवोल्ड कब हुए थे? ये हुए थे ट्रायसिक पीरियड के अंदर हुए थे। इनका ओरिजिन जो है ट्रायसिक पीरियड के अंदर ऑफ मीजोजोइक एरा, ओरिजिन क्या है? ट्रायसिक, ट्रायसिक पीरियड ऑफ मीजोजोइक एरा। एरा बहुत बड़ा हो जाता है, एरा के अंदर हम आ लिखते हैं पीरियड्स। ठीक है, सो इसका ओरिजिन कब हुआ है? ट्रायसिक पीरियड के अंदर हुआ है। ये जो एनिमल्स होते हैं, ये सब जगह मिलते हैं, दे आर फाउंड, ये कॉस्मोपॉलिटियंस हैं। तो कॉस्मोपॉलिटियंस का क्या मतलब है? कि ये सारे हैबिटेट्स मिलते हैं, तो जितने भी ऑल ओवर हैबिटेट्स हैं, हैबिटेट्स का मतलब है कि लैंड हो, वाटर हो, टेरिस्ट्रियल हो। ठीक है, लैंड, टेरिस्ट्रियल, वाटर और फॉरेस्ट हो, फिर चाहे वो डेजर्ट हो, फॉरेस्ट हो, डेजर्ट हो, इन सभी के अंदर ये मैमल्स की वैरायटी देखने को मिलती है अलग अलग तरह की। तो चाहे वो पोलार एंड हो, जैसे कि बियर्स हैं पोलार पर मिलते हो, तो वो भी क्या है? मैमल्स होते हैं। एंड इनकी वैरा जो ये जो एनिमल्स हैं, ये हर जगह पर, जोग्राफिकल एरिया में देखने को, हर हैबिटेट में देखने को मिलते हैं मैमल्स। ठीक है, अब देखो इनकी खासियत, इनकी यूनिक फीचर क्या है, जिसलिए इनको हम क्या कहते हैं? मैमलिया ग्रुप कहते हैं। तो इनका यूनिक फीचर क्या है? इनका यूनिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ मैमलियन मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, जिसको हम मैमरी ग्लैंड्स कहते हैं। क्या फीचर है? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, जिसको हम क्या कहते हैं? मैमरी ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जो मैमरी ग्लैंड्स होती है, वो क्या करती हैं? प्रोवाइड न्यूट्रिशन प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू यंग वंस। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू यंग वन। तो मैमरी ग्लैंड का क्या काम है? ये यूनिक फीचर है, इसलिए हमने इनका नाम क्या रखा है? ये क्लास कौन सी है? मैमरी, मैमलियन क्लास है। और यहाँ पर क्या है इसका यूनिक फीचर है? कि दे हैव मैमरी ग्लैंड्स। आ रही है बात समझ में? उसके अलावा इनके स्किन पर क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। स्किन हैव हेयर। आप किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। जैसे आपने कुत्ता, बिल्ली, ये सब देखे होंगे है ना, पोलार बियर जो हैं, दीज आर द, इनके पास क्या होते हैं? मंकी है ना, लेमूर है, इनके शरीर पर क्या रहती है? स्किन कैसी रहती है? हेयर से कवर्ड रहती है। और ये इसलिए क्यों रहती है? ये एक तरह से इंसुलेटर का काम भी करती है, इंसुलेटर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। और जो जहाँ पर, जैसे जो बहुत ही ठंडे प्रदेश हैं, जो बहुत ज़्यादा जहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहता है? डाउन रहता है, तो वहाँ पर के जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर काफ़ी मोटी स्किन प्रेजेंट होती है हेयर की। ठीक है, और जैसे हम लोग हैं, हमारे जो स्किन, जो हेयर है वो क्या है? रूडिमेंट है
ठीक है, हम लोग के अंदर एनिमल्स के अंदर ह्यूमंस के अंदर जो है हेयर्स जो है वो इतने ज़्यादा नहीं है, दैट इज़ अ रूडिमेंट हीट है, एक्सटेंट हो चुके हैं यहाँ तक आते आते, हमारे तक आते आते, ठीक है। तो इनकी स्किन कैसी होती है, हेयर प्रेजेंट होता है इनकी स्किन पर। उसके अलावा यहाँ पर हार्ट कैसा होता है, वैसा ही 4 chambered डेवलप्ड होता है, ठीक है। और 4 chambered का मतलब है 2 auricle 2 ventricle होता है, ठीक है। और ब्रेन भी है, काफी डेवलप्ड होता है। ब्रेन कैसा होता है, डेवलप टाइप का ब्रेन होता है। इनके अंदर सोचने समझने की क्षमता भी होती है, जैसे कि आपने कुत्ते देखे होंगे, बिल्लियाँ देखेंगे, हम तो हैं ही, इंसान के अलावा की हम बात कर रहे हैं कि हम तो एडवांस हैं ही, हम तो एडवांस टाइप के एनिमल्स हैं, लेकिन कुछ और भी एनिमल्स हैं जो कि क्या रखते हैं, कुछ क्षमता रखते हैं, उनका ब्रेन काफ़ी डेवलप होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर भी प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर इज ऑल्सो प्रेजेंट। यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल ईयर ऑल्सो प्रेजेंट का मतलब है, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ईयर को हम कहते हैं ईयर पिन्ना। क्या कहते हैं, ईयर पिन्ना कहते हैं। क्या कह रहे हैं, ईयर पिन्ना कह रहे हैं। तो ये ईयर पिन्ना, जैसे ये जो बाहर लगा हुआ है, ये क्या है, दिस इज द एक्सटर्नल ईयर, जिसको हम ईयर पिन्ना कहते हैं। और जो ईयर पिन्ना होता है ये जनरली किसका बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ कार्टिलेज, हाँ जॉ। तो जॉ तो प्रेजेंट है ही, क्योंकि हम किसके अंदर आते हैं, जॉ के अंदर ही। जॉ वाला जो हमने डिवीजन पढ़ा था एग नेथोस्टोमेटा के अंदर, तो ये सारे नेथोस्टोमेटा के अंदर, तो यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है कि हमने डिवीजन अलग से ही ऊपर से डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो जॉ वाले एनिमल्स को ही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो अब हम इसके यूनिक फीचर पढ़ रहे हैं, इन सभी के अंदर, सारे टेट्रापोडास के अंदर क्या है, जॉ तो प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर खास बात क्या होती है, कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं कि अब जॉ तो सभी में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या खास बात है कि डिफरेंट टीथ आर प्रेजेंट, डिफरेंट यहाँ पर टीथ प्रेजेंट होते हैं, और इनको हम कहते हैं हेट्रोडोंट, और इस कंडीशन को हम कहते हैं हेट्रोडोंट। हम पढ़ेंगे डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब हम उसमें देखेंगे कि हमारे कौन कौन से टीथ प्रेजेंट होते हैं, टीथ का स्ट्रक्चर क्या होता है, वहाँ हम देखेंगे। तो हेट्रोडोंट का मतलब है कि अलग अलग इंसाइजर्स है, और कैनाइंस है, प्रीमोलार्स है, और मोलार है, ठीक है। तो ये 4 types ऑफ टीथ जो हैं हमारे प्रेजेंट होते हैं जॉ के अंदर। उसके अलावा क्या होता है, हाँ ये जो टीथ होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं इन अ सॉकेट ऑफ जॉ। क्या होते हैं, इन अ सॉकेट ऑफ जॉ के अंदर, इस जबड़े के अंदर क्या रहते हैं, फिक्स होते हैं, और इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, थीकोडोंट कहते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं थीकोडोंट कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाले टर्म्स याद करना ज़्यादा ज़रूरी है, कि हेट्रोडोंट क्या होता है और थीकोडोंट क्या होता है। थीकोडोंट का मतलब ये है कि जो टीथ जो है वो फिक्स्ड रहते हैं, एक सॉकेट के अंदर फिक्स्ड रहते हैं जॉ के अंदर, तो हम उसे क्या कहते हैं, उस कंडीशन को थीकोडोंट कहते हैं। और हेट्रोडोंट क्या है कि डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ यहाँ पर प्रेजेंस होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार, यहाँ पर मोलार टाइप के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो एनिमल्स होते हैं, मैमल्स जो होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब है कि बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, 37 नहीं, हमें यहाँ पर लिखना है वार्म ब्लडेड एनिमल। हम यहाँ सिर्फ हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, मैमल्स के अंदर तो और भी एनिमल्स हैं, ठीक है। तो ये अपना टेम्परेचर कैसा रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो हम यहाँ पर कांस्टेंट रहता है बॉडी का टेम्परेचर, जबकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के अंदर क्या होता था, टेम्परेचर कैसा रहता था,
सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन होता रहता था, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं होता लेकिन उनका चेंज होता था, तो हम इसे क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। अब यहाँ पर रेस्पिरेशन जो क्या है, रेस्पिरेशन के लिए एक ही चीज़ है, दैट इज क्या है, लंग्स हैं, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेटेड होते हैं, मेल और फीमेल सेपरेटेड होते हैं, इंटरनल क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। किडनी जो है यहाँ पर मेटानेफ्रिक डेवलप होती है, मेटानेफ्रिक बहुत ज़्यादा कुंडलित होती, बहुत ज़्यादा ही कैसी होती है, एकदम कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर किडनी का स्ट्रक्चर जो होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर काफ़ी कॉइल्ड होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये क्या होते हैं, वीवी पेरस होते हैं, क्या होते हैं, वीवी पेरस होते हैं। जनरली कैसे होते हैं, वीवी पेरस का मतलब है कि ये क्या बर्थ करते हैं, दे बर्थ यंग वंस, इन जो बर्थ होता है वो किसका होता है, यंग वंस का, बिल्कुल ऐसा लार्वा नहीं बनता है यहाँ पर, ठीक है, यंग वंस। जैसे कि कुत्ते का बच्चे जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पपी कहते हैं ना, छोटे छोटे से पिल्ले से होते हैं, है ना, तो क्या है, बिल्कुल उसके जैसा ही है ना। सो ये क्या क्या कहेंगे इसे हम, वीवी पेरस कंडीशन कहते हैं। डेवलपमेंट जो कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, तो यहाँ पर कहने की बात ही नहीं है, डेवलपमेंट कैसा है, तो यहाँ पर अगर मैमल्स वाला तो बहुत इजी है, इसमें तो कुछ याद करने जैसा है ही नहीं, खुद को ही देख लो तो आधी कहानी तो आपको यूं ही याद हो जाएगी, है ना, खुद को देखते ही याद हो जाएगी कि स्टोरी क्या है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये क्या होते हैं, यूरियोटैलिक एनिमल्स होते हैं, क्या होते हैं, यूरियोटैलिक। इससे पहले रेप्टाइल्स जो थे वो यूरिकोटैलिक थे, रेप्टाइल्स क्या थे, यूरिकोटैलिक थे, यूरिकोटैलिक का मतलब है कि यूरिक एसिड उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता था, यूरिक एसिड, और ये क्या है, यूरियोटैलिक है, यूरियोटैलिक का मतलब है कि यूरिया जो है इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, यूरियोटैलिक एनिमल्स हैं ये, क्या है, यूरियोटैलिक एनिमल्स हैं, ठीक है। और ब्रेन कैसा है, हाईली डेवलप्ड होता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि इसके क्लासिफिकेशन में हमें कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे तो क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर दो इसको सब क्लास में डिवाइड किया गया है, टू सब क्लास में इसे डिवाइड किया गया है, ये क्या है, सब क्लास। पहला है प्रोटोथीरिया, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये हमारी थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, और थीरिया, प्रोटोथीरिया और थीरिया, ये दो सब क्लासेस हैं मैमेलिया की, ठीक है। प्रोटोथीरिया क्या थे, ये प्रिमिटिव हैं, क्या हैं, प्रिमिटिव मैमल्स हैं, और ये कौन से हैं, एग लेइंग मैमल्स हैं। क्या है, एग लेइंग मैमल्स हैं, आ रही है बात समझ में, एग लेइंग एनिमल मैमल्स हैं। और इस सब क्लास के अंदर ये जो प्रोटोथीरिया है ये बहुत छोटा सब क्लास है, इसके अंदर एक ही ऑर्डर है, इसके अंदर एक ही ऑर्डर यहाँ पर प्रेजेंट है, और वो ऑर्डर कौन सा है, मोनोट्रीमेटा, मोनोट्रीमेटा, ये एक ऑर्डर है केवल, और इस ऑर्डर में क्या है, हमें सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने हैं, स्पाइनी एंड ईटर, ऐसे बिल्कुल रेप्टाइल्स की तरह लगती है ना, पीछे पूंछ भी होती है इसकी, घर जाके देख लेना कि इसका डायग्राम कैसा होता है, मतलब ये दिखने में कैसा होता है, स्पाइनी एंट ईटर, ठीक है। और दूसरा होता है एकिडना, ये इसके एग्जाम्पल हैं, स्पाइनी एंटीटर और इकिडना, ठीक है। सो प्रोटोथीरिया इतना ही है, ये कि सबसे प्रिमिटिव हैं और बहुत ही कम इसके अंदर एनिमल्स आते हैं, एग लेइंग मैमल है, ठीक है ना।
विविपेरस तो है, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर ये है, एक्सेप्शनली है ये, एक तरह का क्या है, एक्सेप्शन है ये प्रोटोथीरियंस। प्रोटो का मतलब होता है प्रो, प्रो मतलब नॉट प्रोफेशनल, इसका मतलब होगा यहाँ पर प्रिमिटिव, है ना, जैसे आईफोन्स आते हैं ना प्रो, वो प्रो नहीं, प्रो तो मतलब होता है प्रोफेशनल, लेकिन हम यहाँ पर इसका प्रो का मतलब है दैट इज़ प्रिमिटिव, ठीक है, प्राइमरी प्रो जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा थीका की बात करें तो दी आर द थीरियंस जो हैं वो कैसे हैं, मॉडर्न है और टिपिकल विविपेरियंस है, मॉडर्न है टिपिकल एज वेल एज क्या है विविपेरियंस है। यंग वन को क्या करते हैं, बर्थ देते हैं, यंग वंस को क्या करते हैं, बर्थ देते हैं दीज थीरियंस। अब ये जो थीरियन है, इस थीरिया को भी हमने क्या किया है, टू सब, इसको हमने टू इंफीरियर इंफ्रा क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है, पहला है क्लास, दूसरा है सब क्लास, थर्ड आ जाएगा इंफ्रा क्लास। तो हमने क्या करा है, इसे इंफ्रा क्लास में डिवाइड किया है, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, और उस ग्रुप का रैंक क्या है, इंफ्रा क्लास, इंफ्रा क्लास, ठीक है, मतलब उस सब क्लास से भी छोटा जो ग्रुप होगा उसे हम क्या कहेंगे, इंफ्रा क्लास कहेंगे। इंफ्रा क्लास के अंदर कि जो आते हैं दैट इज आते हैं मेटा थीरिया एंड यूथीरिया, क्या जाएंगे, मेटा थीरिया एंड यूथीरिया, मेटा थीरिया एंड यूथीरिया, ये दो इसके क्या है, इंफ्रा क्लास है। मेटा थीरिया के अंदर क्या आता है, मेटा थीरिया के अंदर एक ही ऑर्डर आता है, इसमें एग्जाम्पल से हमें समझ में आ जाएगा, मेटा थीरिया के अंदर क्लास, इसके अंदर ऑर्डर आता है मार्सुपियला, पेलिया, मार्सुपेलिया, ठीक है, मार्सुपेलिया जो है मेटा, ये एक ऑर्डर है, इस क्लास का ऑर्डर है मार्सुपेलिया, और ये जो क्या है, इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसके अंदर एग्जाम्पल आता है कंगारू, क्या आता है, कंगारू, और ये कंगारू कहाँ मिलेंगे, ये मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कहाँ मिलते हैं, ऑस्ट्रेलियंस को हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को हम क्या कहते हैं, कंगारू ही कहते हैं, कंगारू कहते हैं, अरे देखते नहीं हो क्या, है ना, फिर ठीक है। तो मेटाथीरिया, मेटाथीरिया के अंदर आ जाते हैं मार्सुपियल्स, और इनकी खासियत क्या है, देखो यहाँ पर मार्सुपियल का मतलब क्या है, मार्सुपियम, एक टर्म आती है मार्सुपियम, मार्सुपियम का यहाँ पर मतलब है एब्डोमिनल पाउच, एब्डोमिनल पाउच, ये जो एब्डोमिनल पाउच होती है, किसी कंगारू के एब्डोमिन पर एक पाउच प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एब्डोमिनल पाउच कहते हैं। इस एब्डोमिनल पाउच के अंदर क्या होता है कि जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो बहुत ही अर्ली स्टेज का जो अर्ली स्टेज के जो यंग वन होते हैं, जो कि एम्ब्रियो होते हैं अर्ली स्टेज के, बहुत ही अर्ली स्टेज पर क्या हो जाते हैं, ये बर्थ दे देते हैं, और वो जो अर्ली स्टेज वाले बिना डेवलप्ड अनडेवलप्ड जो एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो को कहाँ रखा जाता है, उसके एब्डोमिनल पाउच में रखा जाता है। तो हम ओवो विविपेरस कहते हैं इस कंडीशन को, क्या कहते हैं, ओवो विविपेरस कहते हैं, ओवो विविपेरस। तो विविपेरस तो वो होते हैं जो कि कंप्लीटली एकदम डेवलप काइंड ऑफ यंग वन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ओवोपेरस का मतलब क्या होता है कि वो एग लेइंग होते हैं, तो इन दोनों के बीच की स्थिति क्या होगी कि वो क्या होंगे, थोड़े से अनडेवलप्ड होंगे, वो डेवलप्ड नहीं होंगे, अर्ली स्टेज पर ही क्या कर देते हैं, वो अर्ली स्टेज में कहाँ पर आकर के बैठ जाते हैं, एब्डोमिनल पाउच में आकर के बैठ जाते हैं। तो अर्ली स्टेज के अंदर, अर्ली स्टेज में जो यंग वन है, जो ऑफस्प्रिंग है, अर्ली स्टेज का ऑफस्प्रिंग जो है वो यहीं पर ग्रो करता है एंड डेवलप इन दिस पाउच,
इस पाउच के अंदर ही क्या करता है, डेवलप होता है इन मार्सुपियल्स के अंदर। तो यहाँ पर इसलिए हमने थीरिया को क्या कर दिया है, दो इंफ्रा क्लास के अंदर हमने उसे डिवाइड कर दिया है कि एक तो ऐसे एनिमल्स हैं जो कि ओवोविविपैरस हैं, यहाँ पर तो क्या थे, एग लेइंग थे, यहाँ पर ओवोविविपैरस है, और यहाँ पर कम्प्लीटली थीरिया, यू का मतलब है ट्रू, तो यहाँ पर कम्प्लीट क्या आ जाएंगे, विविपैरस एनिमल्स होंगे। ठीक है, विविपैरस एनिमल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, आ रही बात समझ में, यूथीरियंस के अंदर यहाँ पर 16 ऑर्डर्स हैं। क्या हैं, 16 ऑर्डर्स हैं, लेकिन उसमें से एक ऑर्डर हमें देखना है, दैट इज अ प्राइमेट। एक ऑर्डर का नाम है यहाँ पर, वन ऑफ देम इज प्राइमेट, ये क्या है, ऑर्डर है। और ये प्राइमेट जो है, ये क्या है, प्राइमेट्स के अंदर आ जाते हैं मंकी, लेमूर और ह्यूमन। क्या जाते हैं, मंकी, एपीस, लेमूर और ह्यूमन इस कैटेगरी के अंदर, ऑर्डर के अंदर आते हैं। हम कहते हैं ना कि ह्यूमन्स क्या है, प्राइमेट्स हैं। ठीक है, तो अब पता चला प्राइमेट क्या है, प्राइमेट ऑर्डर है यूथीरिया। तो यूथीरियंस कहें या प्राइमेट्स कहें, एक ही बात है। तो ह्यूमन्स क्या है, यूथीरियन भी है, प्राइमेट तो क्या है, एक ऑर्डर है, तो प्राइमेट कहीं पर लिखा हुआ आएगा, कहीं पर यूथीरियंस लिखा हुआ आएगा। आ रही है बात समझ में, है ना। तो यहाँ पर ये अभी जो मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आगे चल के हम पढ़ेंगे कि कहीं जब आप 12th में, आप नेक्स्ट क्लास में जब जाओगे तो आपको ये टर्म्स जो हैं आपको ये आएंगी वहाँ पर, यूथीरियन, प्राइमेट्स, ये सारी चीज़ें हमें आगे ये टर्म्स हमें सुनने को मिलेंगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, यूथीरियंस क्या होते हैं, कम्प्लीटली विविपैरस एनिमल्स होते हैं। आ रही है बात समझ में, उतार लो। और यूथ ये जो होते हैं, प्लेसेंटल एनिमल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, यूथीरियंस क्या होते हैं, क्योंकि विविपैरस है, यंग वन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो यंग वन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या करेंगे, मदर से ही क्या लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, और मदर से न्यूट्रिशन लेने के लिए क्या बनती है, प्लेसेंटा बनती है। तो हम इनको क्या कहते हैं, प्लेसेंटल एनिमल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेसेंटल एनिमल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर एनिमल किंगडम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एनिमल किंगडम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले हमने एक सेल पढ़ लिया था, और अब हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स हमने कंप्लीट कर दिया था, और उसके बाद हमारा एक टॉपिक रह गया था, दैट इज एंजाइम। उस एंजाइम को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अभी यहाँ पर जो हमने देखा, हमने ये पूरा वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट्स हमने साथ में पढ़ लिए, सॉरी कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट। तो कॉर्डेट ग्रुप अलग था, और नॉन कॉर्डेट वो थे हैमी कॉर्डेट तक, पॉरीफेरा से लेके हैमी कॉर्डेटा तक को हम क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। और कॉर्डेटा से लेकर के ये जो पूरा कॉर्डेट हमने जो अभी पढ़ा था वो क्या था, पूरा कॉर्डेट स्ट्रक्चर था। और उस कॉर्डेट में, अब मुझे बताओ कि कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में क्या डिफरेंस है, कॉर्डेट के कुछ फीचर्स हमने पढ़े थे, ठीक है ना, तीन फंडामेंटल, फोर फंडामेंटल फीचर्स पढ़े थे। सबसे पहला फीचर क्या था, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, ठीक है, किसी भी स्टेज में, नर्व कॉर्ड का प्रेजेंट होना, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होना, और फेरिंजियल ग्लिसरिड्स का प्रेजेंट होना, और कई केसेस में क्या हमें देखने को मिलती है, टेल भी देखने को मिलती है। और ये सारे फीचर्स किसके हैं, कॉर्डेटा के फीचर्स हैं। आ रही बात समझ में, और ऐसा हमें नॉन कॉर्डेटा में देखने को नहीं मिलता है। नॉन कॉर्डेटा के क्या फीचर्स हैं, दे आर प्रिमिटिव काइंड ऑफ एनिमल्स हैं, ठीक है। इनके अंदर, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर जो नर्व कॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड में अंतर है, नर्व कॉर्ड है वो ब्रेन का पार्ट है एक तरह से, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड जो होती है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती है वहाँ पर, ठीक है। ये हमने पढ़ा था किसके अंदर, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, प्रोरीफेरा से लेकर हैमी कॉर्डेटा तक को हम क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं, ठीक है। सो अब हम इसके आगे की स्टोरी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।